आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनफैक्ट हाजिर की कवर करने के लिए जा रही हूँ इकोनॉमिक सब्सिडी पेपर, और जो कि स्टूडेंट पार्ट वन के हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं उनके लिए बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ना टू टाइप्स का होता है, एक होता है आर इकोनॉमिक्स, एक होता है जनरल इकोनॉमिक्स। दोनों के क्वेश्चन कुछ कुछ सेम होते हैं, एक दो क्वेश्चन सेम होंगे, बाकी टोटल डिफरेंट होता है। तो मैं जनरली जो है ना, तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का, आर इकोनॉमिक्स का नहीं, तो डोंट बी कंफ्यूज देयर। तो जो कि स्टूडेंट पार्ट वन के हैं 22 से 25 सेशन है, तो चलिए देखते हैं कि उनके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आपका आने वाला है ऑब्जेक्टिव, एज यू नो दैट आपको कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर आपका कंपल्सरी है। उसके बाद 4 आपके सब्जेक्टिव बनाते होते हैं, तो 4 में से कौन सा तैयारी करके आएंगे जाएंगे आप, जो कि वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, 7 सब्जेक्टिव लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप 7 का 7 पढ़ के जाएंगे तो उसमें कोई 4 आ जाएगा। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जो कवर करके जाएंगे ना, वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, मतलब भारत में जो अर्थव्यवस्था का जो क्वालिटी है, इनफैक्ट कहा जाए कि जो वास्तविकता है, जो विशेषताएं है, उसका वर्णन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, जिसका आंसर आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, या फिर अगर आप बुक खरीदे होंगे तो बुक से भी मिल जाएगा। गेस्ट पेपर ही जनरली सब्सिडी के लिए बेस्ड होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, फिर आप कवर करेंगे भारत में लोक उद्योगों की समस्याओं का वर्णन करें, लोक उद्यम जो है ना उसकी जो समस्या उत्पन्न हुई है, इनफैक्ट होती है, वो क्या क्या होती है और कैसे कैसे होती है, इसको डिफाइन करना होगा आपको। फिर है आपका क्वेश्चन, भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें या उल्लेख करें या प्रकाश डालें, बात एक ही है। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको खुद भी खुद समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। वैसे लाइन पढ़ने से तो लग रहा है कि बहुत भारी होगा, बहुत हार्ड होगा, कैसे याद होगा, पर जब आप ये सारी चीजों को पढ़ते ना एक बार, तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, तो किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं होती, वो आप डायरेक्टली जब एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आप लिख देंगे। तो ज्यादा सीरियस होकर के नहीं पढ़ाई करनी है, नॉर्मली लेना है। फिर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विश्लेषण करें, मतलब भारत सरकार द्वारा जो अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस करने के लिए जो भी तरीके आजमाए हैं, जो भी उन्होंने फॉलो किया है रूल्स, वो कौन कौन से रूल्स हैं और उनको कैसे फॉलो किया जा रहा है, ये आपको डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। भारत में भूमि सुधार की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें या प्रकाश डालें। भारत में जो भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया गया था और जो जो नियम लागू किए गए थे, उसका असफल होने का, मतलब अनसक्सेसफुल होने का क्या रीजन है, क्या वजह है, यह आपको बताना होगा। फिर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की 1956 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 1956 में जो औद्योगिक नीति लागू हुआ था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, दैट विल यू विल हैव टू राइट देयर। लास्ट है आपका, भारत के आर्थिक विकास में निर्यात उद्योगों के बारे में लिखना है कि भूमिका पर परीक्षण करें, बात सेम ही है। तो आप क्या करेंगे, भारत के आर्थिक विकास में जो भी निर्यात उद्योग है ना, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा आपके, जब भी आप राइटिंग लिखेंगे तो उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ही तैयारी कीजिए, अगर एग्जाम नजदीक है और देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो, अगर आप पढ़े नहीं है पहले से, तो इतना ही कर लीजिए, आपका 4 क्वेश्चन ऑब्वियसली है कि फंस जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप खुद गेस्ट पेपर से करेंगे, कहीं और से नहीं। गेस्ट पेपर में सारे का आंसर दिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन गलत है, तो उसको आप यूट्यूब या फिर गूगल से सर्च करके आसानी तरीके से पा सकते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत होते हैं। मैंने बार बार भी सब्सिडी में बताया कि सब्सिडी के पेपर में कुछ कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, या तो कहा जाए कि गलत ही दिया जाता है, मतलब ज्यादा नहीं, अगर 50% में बात करूं तो 10% ऐसा ही होता है। तो आप उन सारे को पहले सीख कर लेंगी तो ऑब्जेक्टिव में हाँ इसका ये कहना है, इसका ये कहना है, तो वो सही होगा। ये आपका 20 मार्क्स का आता है, और 4 जो सब्जेक्टिव बनाते हैं वो सारे के सारे 20-20 मार्क्स से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा सब्जेक्टिव में तो वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो आप जो भी आपको सही लगे, जो भी सबसे सुंदर आता है आपको, सबसे ज्यादा जानकारी है, आप उसको पहले लिखिएगा। और पेज भरने के लिए आपको 4 पेज अप्रोक्स काफी है सब्सिडी के लिए, वैसे लिखा तो 5-6 भी जाता है, लेकिन जनरली इसमें बना बना के लिखने में 4 पेज इनफ होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप 4 पेज में लिख सकते हैं, 20 मार्क्स है तो अप्रोक्स देने की चांसेस होती है, सब्सिडी ज्यादा मान्यता नहीं करता, ऑनर्स ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गई। अब देखिए, कोई बच्चा था जो कि प्रकाश डाले क्वेश्चन में आया था, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ना वर्णन करें वहां प्रकाश डाले,
अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रकाश उसमें डालेंगे कैसे, जबकि लाइट तो था ही रूम में। जनरली ऐसा ही होता है, मतलब बहुत कम केसेस में ऐसे होते हैं। तो प्रकाश डालने का मतलब होता है वर्णन करना। तो अब उसकी तरह आप छोड़ करके वो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि प्रकाश उसमें डालना कैसे है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।